सो आज का फर्स्ट वर्ड है सजा। सजा को इंग्लिश में कहेंगे पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब सजा। अब इसका एग्जाम्पल है, उसे सख्त सजा मिलेगी। ही विल गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। ही विल गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। नेक्स्ट वी हैव हमदर्दी या सहानुभूति। हमदर्दी या सहानुभूति को इंग्लिश में कहेंगे सिंपति। सिंपति मतलब हमदर्दी या सहानुभूति। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे उससे ज्यादा हमदर्दी नहीं है। आई डोंट हैव मच सिंपति फॉर हर। आई डोंट हैव मच सिंपति फॉर हर। एक और एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर सिंपति। आई डोंट नीड योर सिंपति। नेक्स्ट है राज। राज को इंग्लिश में कहेंगे सीक्रेट। सीक्रेट मतलब राज। अब इसका एग्जाम्पल है, इसके पीछे क्या राज है। व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट। व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट। एक और एग्जाम्पल है, कोई राज मत छुपाओ। डोंट हाइड एनी सीक्रेट। डोंट हाइड एनी सीक्रेट। नेक्स्ट है बकवास। बकवास को इंग्लिश में कहेंगे नॉनसेंस। नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब बकवास। अब इसका एग्जाम्पल है, क्या बकवास है। व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस। एक और एग्जाम्पल है इसका, बकवास मत करो या बेकार की बात मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। नेक्स्ट है सदाबहार। सदाबहार को इंग्लिश में कहेंगे एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब सदाबहार। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे सदाबहार गाने पसंद है। आई लाइक एवरग्रीन सॉन्ग्स। आई लाइक एवरग्रीन सॉन्ग्स। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है वफादार। वफादार को इंग्लिश में कहेंगे लॉयल। लॉयल मतलब वफादार। अब इसका एग्जाम्पल है, वो अपने दोस्तों के प्रति बहुत वफादार है। शी इज वेरी लॉयल टू हर फ्रेंड्स। शी इज वेरी लॉयल टू हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सलाह। सलाह को इंग्लिश में कहेंगे एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट योर एडवाइस। आई डोंट वॉन्ट योर एडवाइस। एक और एग्जाम्पल है, मेरी सलाह मान लो और उससे दूर रहो। टेक माई एडवाइस एंड स्टे अवे फ्रॉम हिम। टेक माई एडवाइस एंड स्टे अवे फ्रॉम हिम। नेक्स्ट है शर्मनाक। शर्मनाक को इंग्लिश में कहेंगे शेमफुल। शेमफुल मतलब शर्मनाक। अब इसका एग्जाम्पल है, ऐसे शर्मनाक बर्ताव के लिए कोई माफी नहीं। देर इज नो अपॉलोजी फॉर सच शेमफुल बिहेवियर। देर इज नो अपॉलोजी फॉर सच शेमफुल बिहेवियर। नेक्स्ट है जीत या फतेह। जीत या फतेह को इंग्लिश में कहेंगे विक्टरी। विक्टरी मतलब जीत या फतेह। अब इसका एग्जाम्पल है, यह तुम्हारी जीत है। इट इज योर विक्टरी। इट इज योर विक्टरी। एक और एग्जाम्पल है इसका, अपनी जीत का जश्न मनाओ। सेलिब्रेट योर विक्टरी। सेलिब्रेट योर विक्टरी। नेक्स्ट है व्याकुल। व्याकुल को इंग्लिश में कहेंगे एंग्शियस। एंग्शियस मतलब व्याकुल। अब इसका एग्जाम्पल है, मेरी माँ हमेशा व्याकुल हो जाती है। माई मदर ऑलवेज गेट्स एंग्शियस। माई मदर ऑलवेज गेट्स एंग्शियस। नेक्स्ट है प्राथमिकता। प्राथमिकता को इंग्लिश में कहेंगे प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। अब इसका एग्जाम्पल है, तुम मेरी पहली प्राथमिकता हो। यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट है बदतमीज। बदतमीज को इंग्लिश में कहेंगे इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब बदतमीज। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे ऐसे बदतमीज बच्चे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक सच इंसोलेंट चिल्ड्रन। आई डोंट लाइक सच इंसोलेंट चिल्ड्रन। ये दोनों आज के क्विज हैं, लिख के बताइए हमें कमेंट सेक्शन में इसके आंसर। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइए
और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।